मीना, आज हमारे कॉलेज में नया लेक्चरर कौन आ रहा है पता है? कौन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ रहा है क्या? कौन, तेरी नानी क्या? नहीं, तेरा नाना, बकवास बंद कर। तो फिर अपनी नानी को भी बुला ले। यू स्टूपिड। तो फिर कौन है? बॉलीवुड का बादशाह। अमिताभ बच्चन? नो, वो नहीं। तो फिर क्या, शाहरुख खान है? वो भी नहीं। देख, मुझे सस्पेंस बातों से चिढ़ आती है, बता कौन है। उधर देखो। आप सबको भी मेरा नमस्कार। सर, आपकी धारावाहिक सिनेमा हम देखते रहते हैं। सर, हमें आपकी फिल्म बहुत बहुत पसंद है। सर, हमारी संस्कृति, भाषा और जनजीवन के बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं आप। सर, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। मुझे सवालों से बहुत प्यार है, पूछो। सर, आपकी कहानी, उपन्यास, कविता सभी बहुत बढ़िया होती है। सिनेमा, फिल्म, सीरियल्स आप डायरेक्ट भी करते हैं ना? सब करने के लिए आपको टाइम कैसे मिलता है सर? ये टाइम मैं कॉफी शॉप से अरेंज करता हूँ। क्या सर? टाइम को। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें किस विषय में बताने जा रहा हूँ तुम्हें पता है? पता है सर, अमेरिका, लंदन, पेरिस, रोम, 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 रोमांचक रोम। बिल्कुल भी नहीं। पहले तुम अपने देश के बारे में अच्छी तरह जान लो। हमारे लोग, हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी मिट्टी। यहाँ मिट्टी कहाँ है सर? गलत गलत, यहाँ सब कुछ है, सिर्फ आँख खोल के देखने की जरूरत है। शरणार्थी, कवि लोग, शायर लोग, साइंटिस्ट लोग, योगी लोग, कौन चाहिए तुम्हें? संसार में कब क्या होने वाला है, इन बातों के बारे में कोलार जिले के प्रसिद्ध श्री स्वामी जी ने काल ज्ञान के बारे में ये लिखा। काल ज्ञान क्या होता है सर? काल ज्ञान का मतलब है भविष्यवाणी। कई बार स्वामी जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, चिंतक भी थे, विज्ञान को वो बड़े करीब से सोचते थे। सर 1813 ईस्वी में ही वो बता गए थे कि आगे चलकर दुनिया में क्या होगा। भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, दंगा फसाद, कम वर्षा, अधिक वर्षा, इन सब के बारे में उन्होंने पहले ही लिख दिया था। देखो, ये करीब करीब 200 साल पहले ताड़ की पत्तियों में कई बार श्री नारायण स्वामी जी की भविष्यवाणी है। उन्होंने सिर्फ भविष्यवाणी ही लिखी है ये मत समझना, इसके अलावा अनेक कीर्तन और ग्रंथ भी लिखे हैं, कई और भाषाओं के साथ हिंदी में भी लिखा है। उनकी दी हुई इस पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी दौलत है ये भविष्यवाणी। माते, तुम्हें नहलाने वाले, उस जल को ग्रहण करने वाले, घर की शोभा बनकर, दिल के देवता बनकर, मीठे शब्द बनकर, सबकी रक्षा करने वाली, 100 साल तक सुखद जीवन ग्रहण करने का आशीर्वाद दे माँ। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। चलता हूं पुजारी जी। ठीक है गुरुदास। हे ईश्वर, सारे संसार में उजाला करने वाले भगवान, गुरुदास के घर में भी एक ज्योति जला दे भगवान। बाप रे, पैर टूट गया। हे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे भाई को तूने औलाद ना देकर बहुत अच्छा काम किया है। मेरा भाई मेरे दो बच्चों में से किसी एक को गोद ले ले, उसका घर, उसकी धन दौलत सब मेरी मुट्ठी में आ जाए, ऐसा आशीर्वाद दे भगवान, तो मैं तेरे चरणों में 2 टोकरी फूल चढ़ाऊंगी। ये काम कर दो ना भगवान। शिवा, 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 शिवा। भैया। ओ छोटी बहना, बड़े दिनों के बाद आई हो। क्यों भाई, दिन में भी पूरा घर ऐसे खुला छोड़ के तुम लोग कैसे चले जाते हो? अगर कोई चोर चोरी करके गया तो?
अब तुम आ गई हो ना बहना, फिर क्या है? हाँ? तो क्या हुआ, तुम मुझे चोर नहीं समझ रहे हो? मैंने ऐसा नहीं कहा बहना। अरे भाभी कब आई? मैं अंदर कपड़े धो रही थी, आओ बैठो ना। देखो घर में कितनी शांति है, अगर यहाँ एक बच्चा होता तो पटापट बातें करता, छटपट भागता रहता, घर में रौनक रहती। छोटी बहना, हमारे घर की ये दुख तकलीफ शायद भगवान का श्राप है, इसी वजह से शायद हमारे जीवन में संतान का सुख नहीं लिखा है। इसलिए मेरे बेटे को गोद लेने के लिए कह रही हूँ ना मैं। आज तुम दोनों के शरीर में ताकत है, कल तुम लोग बूढ़े हो जाओगे तो क्या ये ताकत रहेगी? भाभी इस संसार में भगवान हम जैसे न जाने कितने लोगों को पाल रहा है। सभी बोझ हम उस भगवान पर डालेंगे तो कैसा चलेगा, हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना भाभी। देखो छोटी बहना, काफी दिनों के बाद तुम यहाँ आई हो, चार दिन आराम से रहकर खा पी के जाओ। बड़े भैया मेरे बच्चों में से किसी एक को अगर तुम गोद लेते हो तो ही मैं खाना खाऊंगी, नहीं तो मैं चुपचाप अपने घर चली जाऊंगी। मायके आई हुई बेटियां खाना खाए बगैर या कुछ लिए बगैर अपने घर जाती है तो वो पाप इस घर को लगेगा। हाँ वो भगवान की मर्जी है, लेकिन तेरे बच्चों में से किसी को गोद लेना शास्त्र के विरुद्ध है, कितनी बार समझाया। ये शास्त्र के विरुद्ध है ये कैसे, वो बताओ। कल को अगर जब माँ बाप का स्वर्गवास हो जाता है तो बाप के लिए एक लड़का, माँ के लिए एक लड़का अंतिम संस्कार के लिए होना चाहिए। काश अगर तुझे तीन बच्चे होते तो मैं जरूर उनमें से एक को ले लेता। फूटे मेरे कर्म, मेरे पति को भी इतनी अकल नहीं है। मुझे तीन बच्चे हो जाते तो उसमें से एक को तुम गोद ले लेते, है ना? अब क्या है, तुझे एक और बच्चा चाहिए, आश्रम जाके एक बच्चा लाके देता हूँ, चलेगा ना? देखो हमें अपना बच्चा चाहिए, वो भी अभी के अभी। इसका क्या मतलब, वो कोई मेले का खिलौना है जो खरीद के ले आऊं? ये मेले की बात छोड़ो और हमारे मिलन के बारे में सोचो। अरे अरे पुष्पा तेरा दिमाग तो सही है ना, वक्त बेवक्त तू कैसी बातें कर रही है। देखो इस वक्त बात कम करो, मुझे अभी बच्चा चाहिए अभी के अभी। अभी अभी तुझे इतना जोश चढ़ा है, वो भी इस जलती दोपहरी में? अरे क्या मुसीबत आ गई है साले की वजह से। क्यों जी, क्या तुम मेरे भाई को कोस रहे हो? मैं कहाँ कोस रहा हूँ, मैं उसे याद कर रहा हूँ जलती हुई धूप में। हाँ अच्छा, याद करना छोड़ो और चलो। पुष्पा ये वक्त उसके लिए ठीक नहीं है। धर्म कर्म गए भाड़ में, तुमसे शादी के बाद मैं बर्बाद हो गई, बात बिगड़ी तो घर बिगड़ गया, ये कहावत नहीं सुनी तुमने? चलो चुपचाप जो मैं कहती हूँ वो करो। अरे, अरे, ये क्या हो रहा है भगवान। दया कर दे प्रभु, दया कर दे, दया कर दे स्वामी दया कर दे, दया कर दे दाता दया कर दे, दया कर दे रामा दया कर दे। ओ मेरे भगवान, ऐसा मैंने क्या पाप किया है जो करना नहीं चाहिए था? दुनिया वालों से बांझ तो मुझे ही सुनना पड़ता है, ये खत्म कर और मेरे घर में भी औलाद दे भगवान। स्वामी अमर नारायण, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, तुम इसकी इच्छा पूरी करके मेरे घर में भी एक दीप जला दो और संतान का एक वर देके हमारे वंश को भी पूरा कर दो। भगवान बरसों से सेवा करते आए अपने भक्तों को प्रसाद देकर उनकी सारी चिंताएं दूर कर दो भगवान, हे अमर नारायण। मुझे प्यारा सनन
सुख मर दे, दया कर दे रामा, दया कर दे। ना चाह भीख पना, ना मांगा धनी बनना, चाह है माँ बनना, दे दे एक संतान भगवान। कितनी नवरात्रि गुजार चुके हैं, मगर इस बार एक नया ही अनुभव हो रहा है मुझे। अच्छा, सब अमर नारायण की महिमा है। क्या कहा? भाभी माँ बनने वाली है, वो भी इस उम्र में? क्यों रे, तू खंबे की तरह खामोश क्यों है? क्या है जी, इतनी अच्छी खबर तुम अभी बता रहे हो? मैं भाभी से बात करके उसके माँ बनने तक वही रुक जाऊंगी, ठीक है ना? देखो पुष्पा, वैसे ही बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है और मैं भी काम धंधे पे जा रहा हूँ, मेरे आने के बाद तुम चली जाना, ठीक है ना? माँ, पिताजी काम पर जा रहे हैं, तुम भी जाओगी तो हमें कौन देखेगा? मुंह बंद करके चुपचाप पड़े रहो। ए, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बीमार बच्चों को और डांट रही है। देखो मैं अपना काम खत्म करके आऊंगा, तभी तुम जाना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। गोविंदा, अमर नारायण, वेंकट रामा। भाभी, तुम मेरे हाथ से बच नहीं पाओगी। तेरा नौवा महीना पूरा होने दे तो मैं ही मौत बन के आऊंगी। अगर लड़की हुई तो उसे बहू बना के सब कुछ हत्या लूंगी, और लड़का हुआ तो उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगी। इस बच्चे का चेहरा तो बिल्कुल भगवान के जैसा लग रहा है ना गुरुदास जी? बहुत तेज है इस बच्चे के चेहरे पे, आयुष्मान भव, यशोमान भवा। स्वामी, इस बच्चे का एक अच्छा सा नाम रख दो। अमर नारायण के आशीर्वाद से पैदा हुआ बच्चा नारायण स्वामी करके नाम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा नाम है नारायण। ये बच्चे को नारायण के पास ही भेज दूंगी मैं। जब गर्भवती थी तभी मैं तुझे खत्म करना चाहती थी, लेकिन मेरा पति आड़े आ गया। मैंने खीर में जहर मिलाया है, तुझे पिला के बेहोश करके तेरे बच्चे को खत्म करूंगी। सुनो, हमारे नारायण की आंख नाक जब मैं देखता हूं तो मुझे तेरे जैसा लगता है। भाभी, ये गरम गरम खीर तो खा लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाभी। अब ऐसा कैसा चलेगा? देखो, तुमने बच्चे को जन्म दिया है, कुछ भी लेने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बदन में शक्ति नहीं रहेगी, इसलिए ना मत करो। ये लो। नहीं चाहिए भाभी। कौशल्या, इसे पी लो, फिर बच्चे को दूध पिलाओ। Thank you.
सुनो जी, बच्चा नहीं दिख रहा है। उधर ही पुष्पा के हाथ में था, देख लो ना। भाभी भी नहीं दिख रही है। पुष्पा क्यों नजर नहीं आ रही है? पुष्पा, कहाँ गई पुष्पा? पुष्पा, सुनो जी, पुष्पा, मुझे कुछ हो रहा है, बच्चा। कौशल्या, मुझे कुछ हो रहा है। तुम बर्दाश्त करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी आंखें बंद हो रही है। ये क्या हो रहा है? मैं पंडित को लेके आता हूँ। नहीं, मैं पंडित को लेके आता हूँ, मेरी बात मान लो। अमर नारायण, दीपलिंगेश्वरा, रक्षा करो। कौशल्या, नारायणा, वो जो सामने से आ रहे पुजारी जी हैं ना? हाँ हाँ, वो ठीक कह रहे हो पुजारी जी। ये बच्चा आपके हाथ में? लेकिन पुष्पा कहाँ है? ऐसी डायन को धरती पे रहने का कोई हक नहीं है। उस पुष्पा के बारे में कोई कुछ जानता है तो मुझे भी बताओ। पुजारी जी, ये बच्चा आपको कहाँ मिला बताओ? मैं मंदिर में सोया हुआ था, बाहर किसी बच्चे की रोने की आवाज लगी। किसका बच्चा रो रहा है? बाहर आके देखा तो गुरुदास का बच्चा था। आसपास नजर घुमाया तो कोई नजर नहीं आया दूर दूर तक। मैं बच्चे को उठा के सीधा यहाँ लाया। बेचारी दिन रात पूजा करके इस बच्चे को पैदा किया था, लेकिन अब क्या होगा उस बेचारी का? तभी कौशल्या दीदी ने उनके बच्चे को गोद नहीं लिया, इस गुस्से में इस बच्चे को लेके भाग गई। पुष्पा ने जो पाप किया है उसका दर्द गुरुदास और उनकी पत्नी सह नहीं सके, इसलिए बेचारे दोनों मर गए। क्या कह रहे हो? हाँ, दोनों मर गए। हे मलिंगेश्वर, ये तेरी कैसी महिमा है?
दशरथ तनय देवा राम श्री नारायणा राम राम कुंद माधवा राम सद्गुरु केशवा राम दशरथ तनय देवा राम श्री नारायणा अरे रे ये फूल क्यों तोड़ रहे हो हुँ? किसकी इच्छा से तोड़ रहे हो अपने आप पैदा होकर भगवान की पूजा के लिए तैयार ये फूल को तोड़ने के लिए किसी की मर्जी नहीं पूछते रोजाना मैं फूल को हार बनाकर बेचती हूँ इसलिए मेरी मर्जी जानना जरूरी है ए लड़की सुबह सुबह झगड़ा मत कर थोड़े फूल लेके बाकी सब तेरे लिए छोड़ दूंगा जरूरत है तो तू भी लेके जा तेरे तोड़े हुए फूल को मैं तोड़ूंगी देखो मैं चुप नहीं रहने वाली अपनी माँ से कहकर तुमको डांट खिलाऊंगी ठीक है जाओ इतना ही नहीं अपनी माँ से कहकर चार थप्पड़ भी लगवाऊंगी मार खिलाऊंगी पहले जाओ उन्हें लेके आओ माँ जी ए जाना जाना माँ माँ वो लड़का यही पुजारी के साथ रहता है पुजारी जी स्वामी पुजारी जी बाहर आइए तुम क्या इस लड़के को पूजा पाठ सिखाते हो या लड़कियों से बदतमीजी करना सिखाते हो कौन हो तुम पुष्पा तुम हाँ पुष्पा बहन तो क्या हुआ अभी हाँ भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं अपने क्रोध को वश में रख के बात करूं क्या अनर्थ कर दिया तूने तुम्हारे बच्चे को गोद नहीं लिया इसलिए अपने भाई गुरुदास का और बेचारी देवी जैसे भाभी की तुमने जान ले ली और इस बच्चे को अनाथ बना दिया तुमने 12 साल सर छुपा के भटकने के बाद यहां पर आई हो तुम शायद बच्चे की किस्मत अच्छी थी जो मेरे हाथ लग गया नहीं तो पता नहीं बेचारे का क्या होता पता नहीं क्या ये मेरे भाई गुरुदास की संतान है जी हाँ गुरुदास की संतान है नारायण स्वामी नारायण छूना मत इस अपराध की तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए तुम्हें पता है ऐसा मत करो पुजारी जी जो गलती मैंने की उसकी सजा मैं भुगत चुकी हूँ मेरे पति को सांप ने काट लिया और मेरे दो बेटे भयंकर बीमारी की वजह से मर गए अभी इस बच्ची के लिए फूल बेच के जी रही हूँ मैं दौलत के लालच में आके भयंकर अपराध कर बैठी मैं इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं और मेरी बेटी इस बच्चे नारायण की मरते दम तक सेवा करेंगे इसके लिए एक ही रास्ता है मेरी बेटी से नारायण के साथ तुम अपने हाथों से शादी करा लो तेरे जैसे का साया भी नहीं पड़ना चाहिए नारायण पे चली जा यहां से तू अरे रे अरे रे अरे रे मैं जानती हूँ मैं अभी पुष्पा दीदी रही ही नहीं लेकिन आज के बाद हमेशा धर्म के रास्ते पे ही चलूंगी ये वादा करती हूँ मैं मुझ पर एहसान करो मुझ पर एहसान करो उठो मैंने कहा ना उठो आज से तुम धर्म के रास्ते पर चलोगी ना बिल्कुल बिल्कुल पुजारी जी ठीक जैसी भीम लिंगेश्वर की इच्छा हो ये घर तुम्हें पैदा करने वाले गुरुदास के पूर्वजों का है आज के बाद ये घर तेरा है तुम्हें अब यहीं रहना है समझ गए देखो नारायण स्वामी तेरी बुआ ही तेरे लिए माँ बाप सगे संबंधी सब कुछ है पुष्पा
इन लोगों के जवान होने तक, अपनी जिम्मेदारी निभाने तक इन्हें तुम्हें पालना पोसना होगा, समझ गई ना? समझ गई पुजारी जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। भीमलिंगेश्वर कुशल मंगल हो। ऐसे भक्तों का कभी विश्वास नहीं किया जाता, कब ये लोग बदल जाए क्या पता। जितना हो सके उतना कमा के लाने को कहो। जरा रुक जाओ, भक्ति भक्ति तुम करते रहोगे तो बोलते रहोगे तो तुलसी और घास फूस खाना पड़ेगा। जाओ पैसे कमा कर लाओ। भीमलिंगेश्वर अमर नारायण, भीमलिंगेश्वर अमर नारायण, भीमलिंगेश्वर अमर नारायण, भीमलिंगेश्वर अमर नारायण, भीमलिंग अमर नारायण, भीमलिंग अमर नारायण, भीमलिंग अमर नारायण, अमर नारायण, भीमलिंग। दोबारा आओगी तो तुम्हारे पैसे दे दूंगी। शिवा अर्पण वस्तु, चलता हूं बहन। इसके पैसे मैं कल दे दूंगी भैया। कृष्णा अर्पण वस्तु, चलता हूं बहन। अमर नारायण। मुनिया, मुनिया सुनो। हाँ हाँ सुन रही हूँ। आज क्या है, दो पैसा कमा कर लाए हो या आज भी उधार कर कर आए हो? ये जीवन ही ऊपर वाले का दिया उधार है, उसके उधार दिए जीवन को पाप और पुण्य का ब्याज मिलाकर उसी को लौटाना है मुनिया। हाँ ये सारे वेद उनके लिए हैं जिनका पेट भरा हुआ है, हमें ये बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए। पैसा पैसा आज भी लाए हो या आज भी शिव अर्पण और कृष्ण अर्पण कराए हो सब? मुनिया सुनो, बड़े लोग अपने पसंद की चूड़ियां बाजार से ले आते हैं, लेकिन ये गरीब लोग हम जैसे लोगों का इंतजार किया करते हैं। इसे आज का व्यापार मान लो। कृष्णा अर्पण वस्तु। अरे रे रे, बिल्कुल वही कृष्णा अर्पण जैसा शिव अर्पण वस्तु, बिल्कुल मेरे पिता जैसा, यही कहते कहते प्राण त्याग दिए। देखो जी हमारा छोटा परिवार नहीं है, तीन बच्चे हैं, तीन बच्चों के बाप हो तुम। अरे सुनो तो, गरीबों की झोली खाली और हमारा घर भी दिवाला, सब तुम्हारी वजह से। हंसने में कोई कमी नहीं है। भैया कौन है? पुजारी जी। नमस्ते पुजारी। नमस्कार। जी नमस्कार, आप बुलाते तो मैं खुद ही आ जाता। नवरात्रि का त्योहार आ रहा है, इसके लिए हमें फूल चाहिए। हमारे यहाँ भगवान के लिए फूल नहीं है, उस भगवान को पूरा बगीचा चाहिए क्या? पुजारी जी इनकी बातों को छोड़ो, जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है उसे क्या हम फूल भी नहीं दे सकते? क्यों नहीं? मुनिया आप लोग जाइए,
मुझसे जो होगा मैं करूंगा। हम चलते हैं नारायण स्वामी। जगदीश जी वैकुंठवासी प्रभु अविनाशी बड़े वरदानी नरहर जी। वैकुंठवासी प्रभु अविनाशी बड़े वरदानी नरहर जी। जाने जगत ये सत्य चरित थे, जाने जगत ये सत्य चरित थे, सियापति राम जी श्री हरि जी। मंगलम अमर नारायण अमर नारायण जी। जय लक्ष्मी के नाथ नाथ श्री, जय लक्ष्मी के नाथ नाथ श्री, जगदीश जी जगदीश जी। पुत्र ये वैभवशाली वसुदेव पुत्र ये वैभवशाली, राधा शिरोमणि कमलापति, राधा शिरोमणि कमलापति। शंकर जी भी थे, शंकर जी भी थे सच्चिदानंद थे, शंकर जी भी थे सच्चिदानंद थे। अक्रूर जी थे अच्युत जी, अक्रूर जी थे अच्युत जी। मंगलम अमर नारायण जी, मंगलम अमर नारायण जी। जय लक्ष्मी के नाथ नाथ श्री, जय लक्ष्मी के नाथ नाथ श्री, जगदीश जी जगदीश जी। असुरों का नाश करें, संतों के हित में असुरों का नाश करें, परम ज्योति रूप ये परमात्मा थे। मंगलम अमर नारायण जी, मंगलम अमर नारायण जी। जय लक्ष्मी के नाथ नाथ श्री, जय लक्ष्मी के नाथ नाथ श्री, जगदीश जी जगदीश जी।
इस गांव के मुखिया चंद्रलोक शर्मा जी आ रहे हैं। आ गए आ गए। हाँ क्यों बे कमीने, मेरी जगह तू ले रहा है, ठीक से चल नहीं पाता, दूसरी ताल भी तोड़ दूंगा। किधर है वो रामा? वही जो सामने खड़ा है चोर की तरह सर झुका के। देखो रामा, मैं अंग्रेज सरकार से भी ज्यादा बुरा हूँ। ये त्रिलोक जब बिगड़ता है तो भूचाल आ जाता है जैसे समंदर में आता है। मालिक क्यों इतने दिन से काम पे नहीं आया? हा? 3 महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी मालिक। अपना कर्जा तू कब चुकाएगा ये बता मालिक। बद्री ना उसको खींच कर इधर इधर। चल 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 चल। ऐसे रोएगा तो क्या समझता है मैं पिघल जाऊंगा? तुझे अगर छोड़ दिया मैंने तो समझो मैं गया। तेरा लिया कर्जा यहाँ रख, फिर चला जा, और फिर इसके बाद दोबारा से मुझे शक्ल मत दिखाना, समझे? ए बद्री, ए बद्री, ए दादा, ले जाके बांधे से उधर, ले जाओ इसे, ले जाओ। ए मालिक, वो चूड़ी वाला नारायण भैया सूद का पैसा भरता है कि नहीं? पिछले कई दिनों से उसने पैसा नहीं दिया मालिक। बकरे को बलि चढ़ाने से पहले मूसल में तेल लगा के चिकना बनाते हैं, अगर नहीं दिया तो वसूलना हमारा काम है। जाओ वसूली करके लेके आओ। भैया भैया भैया, मैं भी साथ में खेलूं भैया। ए मुनिया बहन, थोड़ा चुप रहो ना। मुनिया बहन, ए सीधे खड़े रहो। ठीक है, लेकिन कई महीनों से आपके पति ने सूद नहीं भरा है। मुखिया जी जानना चाहते कि वो कब सूद भर रहा है। बताओ कब भर रही हो? यहाँ खाने के तो वांदे पड़े हुए हैं, सूद ब्याज कहाँ से भरेंगे? क्यों मुनिया बहन, तुम्हारे पति कमा के पैसा लेके नहीं आते क्या? हाँ, बहुत कमाते हैं। कृष्ण अर्पण वस्तु, शिव अर्पण वस्तु, हर किसी को चूड़ियाँ पहना के उधार कर देते हैं, यही उनकी कमाई इसका है। मतलब तुम्हारा सूद भरने का कोई इरादा नहीं है? नहीं भरोगी तो ब्याज पे ब्याज लगा कर चक्रवृद्धि ब्याज बन कर इस घर पे ही कब्जा हो जाएगा, समझ लो। समझ गए ना? ए ऐसा मत करना, अगर मैं कमाने जाती तो 4 पैसे कमा कर लाती। मेरी शादी ऐसे आदमी से हुई इसलिए मुझे भुगतना पड़ रहा है। मुनिया, जब भी तुम्हें देखता हूँ कुछ कुछ होता है। अपने पति के आने के बाद ये घर बार सब 15 साल के लिए गिरवी रख दो, अच्छा रहेगा। इसका इतना पैसा मिलेगा कि सारी गरीबी दूर हो जाएगी, नहीं तो जो बची खुची इज्जत है बीच बाजार में नीलाम हो जाएगी। मुनिया बहन जरा सोच के देखो, सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, कहीं हमारा मुखिया यहाँ आ गया तो समझो। पता है? चुप कर। पता है ना? चलो रे। ये लो, ये आज हमारे भाग्य का है। ये भाग्य का नहीं है, भीख का है। अगर भीख मांगोगे तो इससे ज्यादा मिलेगी। कल भीमा ठाकुर के पास किस्त जमा करनी है, नहीं तो घर 15 साल के लिए गिरवी रखना पड़ेगा, समझा? हे भगवान, रुक जाओ। किस्त भरने की तुम्हारी हैसियत नहीं है तो घर गिरवी रख के अपनी इज्जत बचा लो, क्या कहते हो? मान लो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कृष्ण अर्पण वस्तु। अब कोई कमी नहीं रहेगी, खाओ। पापू, माँ बहुत बुरी है ना? ऐसी बात नहीं करते, जिसने तुम्हें पैदा किया है वो बुरा कैसे हो सकता है? गलती हो गई बापू।
कल्याण भैया, जीवन एक यात्रा है, इसमें गुस्सा प्यार नफरत झगड़ा ये सब। सरपंच जी, ओ, आप तो मालिक हैं और धनी लोग सात स्वर कभी अपनी जगह नहीं बदलता, और सात धातु से बने शरीर में सात विचारों से लिपटे इस संसार में कुछ भी होना स्वाभाविक है, सब कुछ मिटने वाला है। कितनी अच्छी बातें कर रहे हो नारायण भैया। क्या बिना सिर पैर की बातें कर रहे हो? देखो, बिना समझ में आने वाले ये राग बुनकर वेद प्राण की बात करके तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। वेद सुना के मैं आपका दिमाग खराब क्यों करूंगा? मालिक जी, आपके पास दौलत है, हमारे पास नहीं है, तभी तो हम जैसे लोग आपके गुलाम बन के जी रहे हैं। मतलब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अगर गरीबों को तुम लूटोगे तो वो ऊपर वाला तुम्हें लूटेगा। नहीं समझे? सिर्फ सरपंच का ही काम करते तो ज्यादा अच्छा रहता, साथ में ये ब्याज का धंधा करके तुम लोगों को लूट रहे हो, इसीलिए भगवान तुम्हें भी लूटेगा, यही मतलब है। तुम अपनी हद से आगे जा रहे हो नारायण स्वामी। तुम किससे बातें कर रहे हो जानते हो? हमारे सरपंच है। मालिक है, मालिक मालिक है। श्रीमान नारायण भैया, अपना घर खेती गिरवी रख के पेट की आग बुझाने से पहले तुम मुझे अपनी नफरत की आग में जला रहे हो ना? ऐसी बुद्धि मुझे वो अमर नारायण हो या भीम लिंगेश्वर मुझे नहीं दिया, आगे भी ना दे मैं यही प्रार्थना करता हूँ। क्या कह गया ये? इसके कहने का क्या मतलब था समझा कुछ? कपाल में चमड़े की बैत मार के गया। मतलब क्या था बे? चप्पल बनती है। ए! ज्यादा जुबान लंबी करेगा तो दूसरी टांग भी काट दूंगा, चल जा। अब दूसरी कड़ी तो मैं चलूंगा कैसे? मालिक, पापा मुझे वो क्या है कि? क्या हुआ बेटा? भैया मैं बताती हूँ। बापू बापू, हमारे पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ये देखो ये फट गया है बापू। पहनने के लिए इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है बापू। बापू बापू, मुझे भी कपड़े चाहिए, मेरे पास भी नहीं है। बापू बापू, मुझे पैसा दो ना, मैं माँ के साथ बाजार जाकर कपड़ा लेकर आऊंगी। पैसा? इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है बेटा, फिर कभी मेरे पास पैसा आएगा तो मैं सबको कपड़ा दिलाऊंगा। बहानों की कमी नहीं है तुम्हारे पास, बच्चों की खुशी के लिए किसी से उधार नहीं ले सकते क्या? जरा उधार लेने को मेरा मन नहीं करता। पूरे साल तुम्हारी कमाई से तो त्योहार मनाते हैं, बच्चों को देखो, बच्चों पे रहम खाओ जरा। 2 रुपए कहीं से लाने की हैसियत नहीं है। तुम मुझ पर भी बोझ हो, इस घर पर भी बोझ हो, इस धरती पर भी बोझ हो तुम। मेरी पूरी जिंदगी शिवा अर्पण वस्तु कृष्ण अर्पण वस्तु बनकर रह गया है। तुमसे शादी करके तो मेरा जीवन ही बर्बाद होकर रह गया है, एक एक वस्तु के। माँ चिल्ला क्यों रही हो जोर जोर से? पापू तो कब के चले गए। बस इतना ही तुम कर सकते हो, ये लो। माँ नहीं पास में मेरे है एक भी पैसा, नहीं पास में मेरे है एक भी पैसा, एक भी पैसा। सच है ये बात, सच है, सच है ये बात, संशय ही नहीं है, संशय ही नहीं है, नहीं पास में मेरे है एक भी पैसा। कपड़े जो तन पे डाले इसके सिवा नहीं कुछ, कोई भी काम मेरे पास नहीं है, कोई भी काम मेरे पास
पास नहीं है, जिससे भी पैसा लिया वो बिना वापस दिया, मिलने की अब किसी से आस नहीं है, मिलने की अब किसी से आस नहीं है। सच है ये बात, सच है, सच है ये बात, संशय ही नहीं है, संशय ही नहीं है। नहीं पास में मेरे है एक भी पैसा, उनको क्या समझाऊं, बैठे जो मेरे सहारे उनको क्या समझाऊं, कैसे बुझाऊं आग, कैसे बुझाऊं आग, पेट की मैं क्या खाऊं। तू ही कोई हल बता दे मुझको ऐ श्री रामा, तू ही कोई हल बता दे मुझको ऐ श्री रामा। पीछे है परिवार, पीछे है परिवार, उसका मैं क्या करूं। सच है ये बात, सच है, सच है ये बात, संशय ही नहीं है, संशय ही नहीं है। नहीं पास में मेरे है एक भी पैसा, नहीं पास में मेरे है एक भी पैसा। मुनिया, मुनिया, ओ तुम आ गए। आज मैंने त्योहार जैसे पकवान बनाए हैं तुम्हारे लिए। कहां से कर्जा लाई हो मुनिया? मैं क्यों कर्जा लूंगी, व्यापार किया है। जब तुम बाहर गए थे तब एक पैसे वाली औरत मेरे घर पर आई थी। मुनी बहन, मुनी बहन। कौन है, कौन हो बहन तुम? मैं महालक्ष्मी हूँ। ठीक है, क्यों आई हो? आज शुक्रवार है, हाथ भर के मुझे चूड़िया पहनाओ तो मैं ढेर सारा पैसा दूंगी। हाँ? आओ आओ, बैठो बैठो, आ जाओ। इसमें 100 सिक्के हैं। क्यों बहन, तुम आज इतनी खुश हो? इससे पहले इतने सिक्के नहीं देखे क्या? नहीं, पहली बार देख रही हूँ। देखो, तुम्हारे पति और बच्चों को आज पेट भर के पकवान खिलाओ। हाँ जी हाँ जी, इतने साल हो गए मैंने ऐसा खाना नहीं बनाया। मैं यहाँ आ गई हूँ ना, अगर मैं यही रह गई तो सुख शांति और सुकून सब रहेगा। मैं यही रह जाऊं? ए, तू यहाँ क्यों रहेगी? तेरा काम हो गया ना, चल जा। तो फिर मैं सचमुच जाऊं? हाँ हाँ जाओ। देखो मैंने कितना अच्छा व्यापार किया है। ये देखो कितने सिक्के हैं। ये तुम्हारी अकलमंदी नहीं है, बेवकूफी है। उतनी चूड़ियों के सिर्फ 2 सिक्के होते हैं और तुमने इतने सारे ले लिए, ये गलत है मुनिया। गलत क्या है, उसने दिए तो मैंने रख लिए। फिर भी ये व्यापार का धर्म नहीं है। व्यापार ही एक झूठ है तो उसमें धर्म कहाँ से रह गया? देखो मुनिया, ये बचा हुआ पैसा उसे जाकर वापस कर दो। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? मैं जानता हूँ कहाँ। लाओ वो बचे हुए सिक्के मुझे दो। नहीं जी, इससे मैं अपने लिए साड़ी खरीदूंगी। मुनिया, मैंने जो कहा बस वो करो। लो पकड़ो ये पैसा, उस महालक्ष्मी को दे के तुम अच्छे बन जाओ, मैं और बच्चे यहाँ भूखे मर जाते हैं। रुक जाओ जी,
आज के बाद दो पैसे लाओगे तो इस घर में तुम्हारे लिए जगह है। इसके अलावा कृष्ण अर्पणा शिव अर्पणा करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लो, खाली हाथ अगर घर आए तो पुष्पा की बेटी ये मुनिया का असली रूप देखोगे तुम। जाओ। पैसा गया। माता, दो सिक्कों की चूड़ियां देकर उसके बदले में 100 सिक्के लेकर मेरी पत्नी ने अधर्म का काम किया है। ये सिक्के हमारे नहीं हैं, ये सिक्के किसी और के हिस्से के हैं। मां, इसे वापस ले लो माता, वापस ले लो। नमस्कार साधु महाराज, लगता है कहीं जा रहे हैं। मैं शिव भगवान के दर्शन के लिए निकल रहा हूँ। नारायण बेटा, तुम उम्मीदों के इस संसार में देश भ्रमण कर रहे हो ना? साधु महाराज, संसार में दुखों का सागर लहराता रहता है, ये आप ही कहते हैं ना? सिर्फ संसार ही नहीं बेटा, हम जैसे साधु सन्यासी लोग भी दुखी हैं। धंधे पर जा रहा हूं, जेब भर के पैसा कमा लूं, आशीर्वाद दीजिए स्वामी। ठीक है बेटा, तुम्हें आशीर्वाद भी ईश्वर ही मिले। मैं अमरनाथ में जाके ऐसी प्रार्थना करूंगा। आपकी यात्रा? हाँ, कहा ना, शिव दर्शन के लिए जा रहा हूं। तुम चित्तूर की तरफ जाना, तुम तिरुपति जाना, हाँ, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा शुभ होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। ये क्या, सुबह से शाम होने आई है और मैं रात कहाँ गुजारूंगा? आओ नारायण। तुम यहां आने वाले हो मैं पहले से ही जानता था, आओ। स्वामी जी, आप यहाँ? परदेसी हूँ। यहाँ अपना पराया दो देश है ना, इसलिए परदेसी हूँ। तुम भी परदेसी हो, फिर भी स्वदेशी के भ्रम में जी रहे हो बच्चा। स्वामी जी, मुझे एक संदेह है।
शक है? तुम्हें मिटने वाला जो नश्वर है सुख और शांति चाहिए, या फिर जो शाश्वत है अमर हरि का ज्ञान चाहिए? तुम्हें एक चाहिए या दोनों चाहिए? मैं आपके वेद की अंतरार्थ को समझ नहीं पाया स्वामी जी। एक यानी मुक्ति, दो यानी जीवन और मृत्यु, एक योग, दो भोग। अगर योग चाहिए तो? अगर योग चाहिए तो भोग का त्याग करना ही पड़ेगा। स्वामी जी, मुझे धन योग चाहिए। नारायण बेटा, लक्ष्मी चंचल है, ये तू नहीं जानता? नारायण बेटा, तेरे जन्म का कारण है हरि के अंश से पैदा हुआ है तू। दुनिया का अंधेरा दूर करने वाला रोशनी है तू। अपने अंदर की रोशनी को बिखेरे बगैर ना समझ बन के भटक रहे हो। नारायण, ये पत्थर का टुकड़ा ले लो। कुछ दिन बीत जाने के बाद इस पत्थर को मुंह में रखकर बस नारायण की आज्ञा के अनुसार अष्टाक्षर मंत्र को जपो। ये पत्थर तुम्हें मुंह में अगर शक्कर बन के पिघल गया तो समझो कि तुम्हें सिद्धि ज्ञान मिल गया। पत्थर पिघल जाएगा? जी हाँ, जिस्म के अंदर अहंकार के पत्थर को पिघलना चाहिए, चिंता नाम के पत्थर को पिघलना चाहिए, आस नाम का पत्थर भी पिघलना चाहिए, मैं मेरा इस तरह के मोह का पत्थर भी पिघलना चाहिए। वो जब पिघल जाएगा तभी आत्मा शक्कर बनेगी। इस सच्चे सुख को तुम अनुभव करोगे, वही भोग, त्याग, योग। शुभमस्तु। ओम नारायणा भीमलिंगा। अन्न देने वाली अन्नपूर्णा माँ, तुम्हारे हाथों में चूड़ियां नहीं है, रुको मैं पहनाता हूं। अखिलांडेश्वरी, चामुंडेश्वरी, जगदीश्वरी, मेरे हाथों में जितनी चूड़ियां थी सब खत्म हो गई। मेरी मां को हाथ भर के चूड़ियां पहनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मां मां, पिताजी कब आएंगे? आएंगे बेटा। अमर नारायण,
मुनिया पैसा लाए ना। तुम्हें मेरे सुख से बढ़के पैसा ही प्यारा है क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, चूड़ियां सारी नहीं है ना, इसलिए सोचा खूब पैसे कमा कर लाए होंगे। झोले की सारी चूड़ियां मैंने उस महालक्ष्मी को पहना दी। तो फिर उस महालक्ष्मी ने ढेर सारे पैसे दिए होंगे ना? नहीं। कृष्ण अर्पण वस्तु कर दिया, महालक्ष्मी अर्पण वस्तु। तो फिर हम सबका प्राण अर्पणम वस्तु आ गया। उस दिन गलत तरीके से कमाया पैसा वापस ले गए और आज हमारा पेट पालने वाली चीज वो ले गई। वो भगवान जो है वो हमें देगा। देगा जी, जरूर देगा। तुम्हें घर बीवी बाल बच्चे की थोड़ी भी फिक्र नहीं है ना? बच्चे को बीमार पड़े 3 दिन हो गए हैं, कुछ भी लाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, घर में अनाज का दाना नहीं है, सब उपवास से मर रहे। बाल बच्चों को भूखा मारने वाला पति हो या ना हो सब बराबर है। मुनिया मैं तेरा हाथ पकड़ा हुआ पति हूँ, अगर मैं नहीं रहूंगा तो तेरी समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी। हाँ, तुम जैसा पति रहेगा तो जो इज्जत है वो भी चली जाएगी। चले जाओ यहाँ से। मुनिया मुनिया पैसे का नाम लेकर इस परिवार को बिगाड़ मत। हाँ, इस तरह की बातें दिलासा देने वाली बातें मुझे भी आती है। तुम चले जाओ यहाँ से, बहुत हो गया, चलो। मुनिया चले जाओ। मुनिया बर्दाश्त करती रहूंगी। मुनिया सुनो, मुनिया मेरी बात सुनो। मुनिया मुनिया जाओ यहाँ से। देखो आज से मेरा पति मर गया, सब कुछ खत्म हो गया, दौलत ही साथ देती है जो मुझे अब चाहिए। तो क्या तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है? हाँ पैसा ही सब कुछ है, साथ देने वाली दौलत ही चाहिए मुझे। चले जाओ यहाँ से। मुनिया जा कहना आसान है, मुझे दोबारा बुलाएगी तो फिर नहीं आऊंगा। दो कौड़ी कमाने की हैसियत नहीं, तेरे जाने से क्या होगा, चले जाओ यहाँ से। यही तेरा आखिरी फैसला है? हाँ हाँ यही मेरा आखिरी फैसला है। ये देखो शुभमस्तु। गुरुजी एक नहीं दो नहीं सब कुछ छोड़कर आए हुए अपने शिष्य को आप ही रास्ता बताइए। मतलब इस मोह माया के पिंजड़े से निकलकर बाहर आया हूं, बीवी बच्चों और इस दुनिया को छोड़ के। इस रास्ते पर आने के लिए तुम्हें अपने जीवन में किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, इसी से तुम्हें आत्मानंद की प्राप्ति होगी। एक 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 इसका मतलब क्या है गुरुजी? एक मोह, दूसरी माया, तीसरा काम, मतलब इन्हें त्यागने पर परम ब्रह्म बन जाओगे।
तब तुम्हें ये दुनिया एक समान दिखाई देगी। मतलब? जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही है, जैसे मैं तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है, जीव और देह में कोई अंतर नहीं होता, यही है इसका मतलब। नारायण स्वामी, तुम यहां से मांगनी जाओ, मांगनी में रंगनाथ मिलेंगे, तुमको वो सब विस्तार से समझा देंगे। प्रसाद ले लो। तुम्हारा कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। धन्य हो स्वामी। स्वामी, मेरे मन में जो बुराइयां भरी हैं उसे दूर करने के लिए मैं यहां आपके पास आया हूं, और आप दरवाजा बंद करके अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, कभी ना कभी तो आपकी दया दृष्टि मुझ पर होगी। स्वामी, मां गनी रंगना था। नारायण, तुम्हारे जन्म स्थान कैवारा में तुम्हारा समस्त जीवन जनहित में गुजरेगा। कई वर्षों पहले भगवान इंद्र की स्थापना की गई अमर नारायण की धन्य भूमि। त्रेता युग में सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान इन सब की देव भूमि है। द्वापर युग में भीमसेन ने बकासुर से जनता की रक्षा की थी, सुरक्षित भूमि। हरिहरा देव अलग अलग नहीं है, और वो भूमि देवताओं की पावन भूमि है, वो देवताओं की प्रसिद्ध भूमि है, और योगा नरसिम्हा स्वामी भी वहां पर विराजमान है। वहां बैठकर अष्टाक्षर मंत्र का तुम जाप करो। तीन युग से वो भूमि बहुत पवित्र भूमि है। कलयुग में तुम्हारी वहां पर बहुत प्रसिद्धि मिलेगी। स्वामी रंगनाथा, धन्य हो। अपने भक्तों से कितना प्रेम है आपको। मेरे सपने में आकर मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। मेरे मन को बहुत बहुत शांति मिल गई। मां गनी रंगनाथा, मैं कभी आपको नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। ॐ नमो नारायणा। गुरुदेव, आपने मुझे ज्ञान सिद्धि के लिए इस पत्थर को मुंह में रखकर जाप करने को कहा, मैं जाप करूंगा। ओम नमो नारायणाय।
प्राणाय ओम नमो नारायणाय। 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 ॐ नमो नारायणाय। परमात्मा, क्या चमत्कार है आपका। मैं जब ओम नमो नारायणा कहता हूँ और ओम नमो नारायणा की तरफ ध्यान जाता है, ये मेरी कैसी परीक्षा है, रास्ता बताइए स्वामी। नारायण स्वामी, भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति ही मुख्य है, भाषा नहीं। मेरे लिए भक्ति सर्वोपरि है। मैं अब से नारायण बन जाऊंगा। तथास्तु। स्वामी, मुझ दुखी का संदेह अब दूर हो गया है। नारायणा बोला तो नारायणा हो गया और नारायणा बोला तो नारायणा हो गया। आपकी जो इच्छा है करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। तुझे तेरे बच्चे की पड़ी है। मेरे घर में एक हफ्ते से लाश पड़ी सड़ रही है। अरे मेरा दुखड़ा किसे सुनाऊं? ए रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। भैया, अरे भैया, 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 पूरी बहन, पूरी बहन, पूरे गांव को बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। जो मर रहे हैं उनको छोड़ के अपनी जान बचाओ। तुम्हारे पति होते रहो कितना अच्छा था। जाओ। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मुझे किस कर्म के पाप की सजा मिली है आज? मुझे पूछने वाला कोई नहीं। क्यों मैं आज भुगत रही हूँ, किस पाप की सजा है? मेरे ला, मेरे बच्चे, ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। मालिक, इस साल का पैसा लाया। रखी दर, रखी दर। आशीर्वाद दो मालिक। ए, ए,
चल चल चल। पिछले साल और इस साल का पैसा जितना भी बना उतना ले आया सब। चल चल। माधोपुर का पैसा लाया हूँ। हाथ मत लगाना पीछे से। नए साल का पैसा मैं लाया था लेकिन मेरे बेटे ने वो पैसा घुमा दिया। अभी मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। मालिक, बीमारी से सारा गांव मर रहा है। मालिक, मेरे बेटे से एक गलती हो गई। मालिक, भूख मिट के लिए इसी तरह गलती करके अपनी पेटी भरते रहे तो मेरी तिजोरी कब भरोगे? हे बद्री। नहीं 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 मालिक, मैं भूख ही बर्दाश्त कर पाया तो ऐसा किया मालिक। अब कभी नहीं करूँगा मालिक, कभी नहीं करूँगा मालिक। नहीं नहीं मालिक, ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। पत्थर हो गया, पत्थर शक्कर हो गया। मेरा पाप शाप ताप दोष सब कुछ खत्म हो गया। पिता, पिता अमर नारायण, बुराइयों का नाशक अच्छाइयों को उभारने वाला। एकांत में तुमने जो मंत्र उपदेश मुझे दिया था उससे मेरे दिल का चिंतन दूर हो गया। उस मंत्र के ज्ञान से तीनों लोक में सब कुछ देखने का ज्ञान योग सिद्ध मिला। ये दास के सर पर तेरी दया हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ए, उधर देख, स्वामी जी तो पत्थर खा रहे हैं वहाँ पर बैठे बैठे। अरे हाँ दोस्त, वो तो सचमुच पत्थर खा रहे हैं। चलो चल के देखते हैं। ए मत जाओ, मेरी माँ ने कहा था लोग भेष बदल के बच्चों का अपहरण करते हैं। तुमसे कौन कहता है, चलो रे। नहीं रे, मत जाओ, मेरी बात सुनो। अरे मत तू जाओ, चुप रे, मत जाओ, जाने देना, तू बताना हमारे साथ। इधर आओ। वो पत्थर उठाओ। ओम नमो नारायणाय। खाओ। ॐ नमो नारायणाय।
नहीं भाइयों, बेवकूफों के मुंह से मोहिनी राग निकलता है। लोग कहते हैं तेरे कहने के मुताबिक ये पत्थर शक्कर बन गया, समझ ले। अगर ऐसा है तो सारे पर्वत को कोई शक्कर बना सकता है क्या? नहीं मालिक, बिल्कुल नहीं। अगर वो इस तरह कर रहा है तो पूरे गांव के मूर्ख लोग उसको एक सन्यासी मान के एक मढ़ बनाएंगे, ये वो सोच रहा है। मैं भी देखूंगा, अभी मेरी चाल से वो अपनी सारी नौटंकी छोड़ के गांव से भागा नहीं तो मैं भी कम नहीं हूँ। छोड़ो मालिक, तुम उसे गांव से भगाओगे या खुद ही भाग जाओगे? आखिरकार मुझे बिना दांत का खिला दिया। मैं भी देखता हूँ, चलो साथ में। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। गुनगुनाने जैसा बड़बड़ा के अंदर ही रहोगे या फिर दरबारी राग की तरह बाहर शान से भी आओगे? कहिए ठाकुर साहब। अरे अरे ए नारायण भैया, ये क्या तू सन्यासी के भेष में? नहीं यार, ये बीवी बच्चों का भार नहीं उठा पाया, भाग गया हम ये सब। और तू इधर गुफा में घुस के चोर की तरह जादू टोना करके पत्थर को शक्कर बना के बांट रहा है। तू कोई सन्यासी है क्या? बाल बच्चे मर गए, सूरत भी देखने नहीं आया। ये कोई सन्यासी है क्या? इंसान है क्या? क्या बीवी बच्चे चले गए मेरे? जीव, बीवी, बच्चे, घर, ये सब हमें कर्जे के तौर पर मिलता है। ये सब चले जाएंगे तो समझा खत्म हो गया, मैं कर्ज मुक्त हो गया। कर्ज मुक्त? आहा, तेरे गांव छोड़ने के बाद तेरी धर्म पत्नी बीवी कर्जा लिया, वो कर्ज ब्याज का ब्याज, चक्रवर्ती बनकर आज भी वैसे ही है। पहले उसे चुका। ठाकुर साहब, इस जगत में हर कोई कर्जदार है। सूर्य की रोशनी, चंद्र का ठंडापन, बहता हुआ पानी, बहती हवा और हम लोगों को ढोने वाली ये धरती, कर्ज ना चुकाने वाले कर्जदार हैं हम और आप लोग और ये सारी दुनिया वाले। उपदेश देना मुझे भी आता है। देखो, मेरा पैसा मुझे नहीं मिलेगा तो छोड़ने वालों में से नहीं हूं मैं। अब तुम्हें एक बात बता दूं मैं, तुम नहीं बचोगे यार। ठाकुर साहब, तुम्हारे लोगों को तुम आदेश दोगे तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मैं अपनी भक्ति की शक्ति से इन्हें बुलाऊंगा, आप और आपके ये लोग बच नहीं पाएंगे। नारायण भैया, तू मुझे डरा रहा है क्या? बुला बुला, तेरा कौन सा जादू टोना है या कौन सा राक्षस पावर है, दिखा। बुला बुला, जल्दी बुला। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तुम लोगों ने शेर को देखा तो तुम्हें डर नहीं लगा? जिंदा शेर को बुलाने वाले महान योगी के होते हुए हमें डरने की क्या जरूरत है स्वामी? इस गांव में इंसानियत के नाम पर कहीं भी कोई चीज नहीं है, धर्म के नाम पर सभी तांडव कर रहे हैं, किसी पे विश्वास नहीं स्वामी। हमें रास्ता दिखाने वाला कोई गुरु नहीं है महाराज। योगी राज, आपसे प्रार्थना है कि हमें आशीर्वाद देके
हमारे गांव में पधारकर हमें धन्य करें गुरुदेव। गुरुदेव, हमारी जमीन पर ही एक छोटा सा आश्रम हम बनाएंगे, आप वहीं पर रह करके हमारे लोगों का उद्धार करें, यही आपसे प्रार्थना है। भक्तो, कई बार में मेरे दादा की कुछ जमीन है, उनके बाद वो अब मेरी है। तुम वहां पर आश्रम बनाओगे तो मैं जरूर आऊंगा। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। आप क्या क्या हो तो हम लोग चलें। ओम नमो नारायण। ये सूरज प्रसाद सही कह रहा है क्या? हाँ, 100% सही कह रहा है स्वामी। अपनी कुटिया को राजमहल की तरह बना रहा है वो। मालिक, इस गांव के मुखिया तो आप ही हैं ना? लेकिन तुमसे किसने कहा ये? इसने। पूरे गांव वाले एकजुट होकर उस नारायण की कुटिया बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन आपसे एक बार भी नहीं पूछा है? अगर एक बार पूछ लेते तो उनके बाप का क्या जाता भाई? सेठ जी, सेठ जी कहने का। सेठ जी। सेठ जी। इतना ही नहीं मालिक, सुबह सुबह एक गरुड़ पक्षी आता है, उसका नमस्कार करते ही वो फर फर उड़कर चला जाता है। अब ये सच है कि झूठ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मालिक। विष्णुवाहन नमस्तुभ्यं पक्षीराजायते नमः। ओम नमो नारायणाय। कुंकुमांकित वर्णाय कुंदेन्दु धवलाय च विष्णुवाहन नमस्तुभ्यं पक्षीराजायते नमः। ओम नमो नारायणाय। ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा पता? चल माफी मांग। उठो बेटा। माफ कर दो स्वामी, माफ कर दो, बच्चे से गलती हो गई, माफ कर दो। आशा, बच्चों को सजा मत दो। देखो स्वामी, मेरे बेटे ने उस त्रिलोक की बात सुन के आपके विरुद्ध गलत कदम उठाया, इसने उसके बदले में आपसे माफी मांग ली है, क्षमा कर दो स्वामी। वो गलती इस लड़के ने नहीं किया बादशाह। बच्चों का मन बिल्कुल पावन होता है, जिस दिल में ये पाप भरा है उन पापियों ने ये करवाया है। जी हाँ स्वामी, लेकिन वो नीच जाति धर्म के नाम पर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी। बादशाह, धर्म के नाम से ही अधर्म पैदा होता है, जितना वो आगे चल के धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, धर्म धर्म के टकराव से धर्म रास्ते पर आ जाएगा।
संसार में सभी इंसान एक ही धर्म के हैं ये बात मान लो, तभी हमें शांति देखने को मिलेगी। सारे धर्म का सारांश एक जैसा है इंसान समझ ले तो जीना आसान है, नहीं तो खून की नदियां बह जाएंगी। स्वामी जी, आज के बाद आपकी सेवा करने का ये सौभाग्य मुझे प्रदान करो, मुझ पर कृपा करो गुरुदेव। अल्लाहु मजीद। ओम नमो नारायण। अमर नारायण जी की जय। 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 स्वामी जी, खेत में बोए हुए तुलसी के पौधे बिना पानी के सूखे जा रहे हैं, इसलिए आश्रम के पास एक कुआं खोदने की मेरी इच्छा है स्वामी जी। तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ, वो भगवान तुम्हारे साथ है, कार्य शुरू करो। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। करिवार के योगी के चरणों में मेरा नमन है। गुरु जी, ये पड़ोस के कस्बे के साहूकार परशुराम जी हैं। इनके बारे में मैंने बहुत सुना है, फूलों जैसा मन लक्ष्मी घर में विराजमान है, दानी के साथ साथ ये सबसे महान है, धन दौलत के साथ सद्बुद्धि भी पाई है। मेरी इतनी हैसियत कहाँ है गुरुदेव? कहिए परशुराम। गुरुदेव, मैं हर श्रावण के शनिवार को गरीबों के लिए अन्नदान का कार्यक्रम करता हूँ, इस श्रावण के शनिवार को आप पधारे ऐसी मेरी विनती है। तुम्हारे कस्बे के कुल देवता चन्ना केशवा स्वामी की ही इच्छा है तो मैं जरूर आऊंगा। मैं धन्य हो गया गुरुदेव। मनोकामना पूरी हो वस्तु। योगी जी, हमें बचा लीजिए। क्या हुआ माता, क्या बात है? मेरा एक ही बेटा है जो कुष्ठ रोग से बीमार है, इसी वजह से काम हमसे नफरत कर रहा है गुरुजी। कोई भी वैद्य इसकी बीमारी अभी तक ठीक नहीं कर पाया है गुरुजी। इसकी बीमारी दूर करें, इसे आशीर्वाद दो गुरुजी, इसे आशीर्वाद दो गुरुजी। मेरी बीमारी ठीक हो गई माँ, मेरी बीमारी ठीक हो गई माँ। मेरा बच्चा। माँ, मेरी बीमारी ठीक हो गई माँ। गुरुजी, गुरुजी। आरोग्य भाग्य प्राप्ति रस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी गलतियों को माफ कर दो गुरुदेव। गुरु साक्षात भगवान के जैसा होता है, आपको एक साधारण सन्यासी समझने का भूल मैंने किया है, आपका अपमान किया है, मेरी आंखों को अंधा कर दो गुरुदेव, गुरुदेव अंधा कर दो। बेटा मुत्तैया, शक होना इंसान में स्वाभाविक है, इसलिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। तूने जिसके लिए सोचा उसी को तूने गुरु मान लिया, तुझे शिष्य बनाने के लिए मुझे उस लोक से आदेश आया है, तुझे शिष्य बनाने के लिए मुझे परमात्मा ने यह आदेश दिया है और अब वो पूरा करने का वक्त आ गया। मेरे अंदर इतनी योग्यता कहाँ है गुरुदेव? उसका निर्णय करने वाला वो है, उसी की आज्ञा से मैं तुझे अपना शिष्य बनाता हूँ, ये उस ईश्वर की ही इच्छा है। मेरा ये जीवन सफल हो गया गुरुदेव। ओम नमो नारायण। धन्य हो गई। ओम नमो नारायणाय।
भक्तों, तुम सभी का इस प्रांत के चन्नाकेशवा स्वामी भला करेंगे। परशुराम के हाथों से अन्नदान कार्य मनोपूर्वक ढंग से आरंभ हो, ये प्रांत हमेशा सदा खुश रहे और भक्ति की सांसें बनकर दान पुण्य में नाम करे। आगे चल के ये प्रांत विजयपुर कहलाएगा। गुरुदेव, पिछले साल से बारिश के लिए प्यासी ये भूमि हरियाली से भरी कैसे हो सकती है? 7 साल से यहाँ खेती बाड़ी कुछ भी नहीं हुई। आप सब कुछ जानते हैं गुरुदेव। नहीं परशुराम जी, अमर नारायण स्वामी जी मुझसे जो कहलवाएंगे वो गलत नहीं हो सकता। कल के अन्नदान से पहले सारे इंतजाम कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव। ओम नमो नारायणाय, नमो नारायणाय। धरती के पालनहार, बिना पानी के भूमि सूख चुकी है। फूल पौधे पेड़ पतझड़ बन गए हैं। सारे प्राणी जन प्यास से तड़प रहे हैं। पहाड़ों में जंगली आग के शोले नजर आ रहे हैं। नदी दरिया सब सूख चुका है। आज सारा संसार कष्ट में है। अष्ट देवता गणों, गुरु अमर नारायण की तुम्हें सौगंध है, अगर बारिश नहीं हुई तो तुम भी संकट से वंचित नहीं रहोगे। ओम शंपालताय नमः। ओम पर्जन्य गर्जनाय नमः। ओम खनद्दम बोलये नमः। ओम कुंभवृष्टं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नारायणाय, नमो नारायणाय। सब गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव, 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 आपकी महिमा अपरंपार है। वर्षा लाकर आपने अकाल को दूर कर दिया है। इतिहास में इस प्रांत को आपने एक अलग ही पवित्र स्थान दिया है। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। गुरुदेव, बेलापुर के सारे भक्तगणों ने शिवरात्रि के दिन आने का निमंत्रण भेजा है आपको। परशुराम के यहाँ अन्न दान खत्म होने के बाद जाएंगे शिष्य। जैसी आपकी मर्जी गुरुदेव। योगी नारायण के चरणों में अर्पित है गोविंदा। गोविंदा। स्वामी जी की शरण में शरणार्थी। ओ, सरपंच रोकी शर्मा, यहाँ कैसे? मुझे एक संदेह है जो आप ही हल कर सकते हैं। खुशी हुई, क्या है तुम्हारा संदेह? एक मयान में दो तलवार रह सकती हैं क्या स्वामी जी? ऐसा कभी हो सकता है त्रिलोकी जी? इसी तरह एक कुल में कुल गुरु एक ही रहना चाहिए ना। बिल्कुल। तो फिर वो नारायण जी अपने आप को आपके समान कुलगुरु कैसे बता रहे हैं? आप हैं कि वो हैं, बताइए ना। इतना ही नहीं, समाज में है तो सिर्फ दो ही कुल, एक मर्द दूसरी औरत। ब्रह्मा की विद्या को कोई जान ले तो क्या वो ब्राह्मण है या शूद्र है? ब्रह्म विद्या को जानने वाला शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है ये कहते हैं। ये भी कहते हैं पैदाइशी ब्राह्मण लोग आने वाले समय में राज दरबार में उंगलियों की गिनती के बराबर ही बचेंगे, ये भविष्यवाणी नारायण कर रहा है। अच्छा, ये बात अब तक मुझे पता नहीं चली। इसीलिए इसीलिए स्वामी जी ये बात हम आपको बता रहे हैं।
तुम उसको सजा देके अगर सही शिक्षा नहीं दोगे तो हमें तुम्हारे विरुद्ध भी जाना पड़ सकता है। हर साल तुम्हारे मठ को धन सहायता देना भी बंद कर सकता हूँ मैं। उसके बाद हमारे धर्म के सही अनुयायी कौन है वो हम देखेंगे। इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है त्रिलोकी। उस नारायण योगी को मैं ही सही सबक सिखाऊंगा। इस बल्लापुर की सीमा में, इस बल्लापुर की सीमा में सारे देश के भक्तों के आधार बने श्री श्रीकंठ नंजुंडा, श्रीकंठ नंजुंडा। सोए हुए नंदी को कैलाश रास्ता बताया रे, सोए हुए नंदी को कैलाश रास्ता बताया रे। अपने सारे भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, अपने सारे भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। आंखों का तारा बना के रक्षा मेरी करना देवा, आंखों का तारा बना के रक्षा मेरी करना देवा। राज सारे के राजा हैं श्री श्री श्रीमन, राज सारे के राजा हैं श्री श्री श्रीमन। हाथ जोड़ कर रहे हैं सारे श्रुति और नमन, सोए हुए नंदी को कैलाश रास्ता बताया रे, सोए हुए नंदी को कैलाश रास्ता बताया रे। तीन पांच करने वालों को सबक सिखा दिए, पांच करने वालों को सबक सिखा दिए। रास्ते में आने वाले रोड़े सब हटा दिए, रास्ते में आने वाले रोड़े सब हटा दिए। ये माई बाप रिश्तेदार सब हैं हमारे, ये माई बाप रिश्तेदार सब हैं हमारे। ये ना हो तो हो जाएं हम बेसहारे, सोए हुए नंदी को कैलाश रास्ता बताया रे, सोए हुए नंदी को कैलाश रास्ता बताया रे। इनकी बात भक्तों के काम बड़ी आए, इनकी बात भक्तों के काम बड़ी आए। सेवा करके इनकी अपना जीवन बनाए, सेवा करके इनकी अपना जीवन बनाए। बल्लापुर की सीमा के सारे ही भक्तों के, बल्लापुर की सीमा के सारे ही भक्तों के आधार बने श्री श्रीकंठ नंजुंडा, सोए हुए नंदी को कैलाश रास्ता बताया रे, सोए हुए नंदी को कैलाश रास्ता बताया रे। शरण शरण इनकी, शरण शरण इनके शिव की, शरण शरण इनकी, शरण शरण इनकी शिव की। शरण शरण गुरु की, शरण शरण गौरा शिव की, शरण शरण गुरु की, शरण शरण गौरा शिव की। इनके हाथों में वर ये अमर नारायण, इनके हाथों में वर ये अमर नारायण। दास 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 इनके दास हम सभी हैं, सोए हुए नंदी को कैलाश रास्ता बताया रे,
सोए हुए नंदी को कैलाश रास्ता बताया रे। नारायण, नारायण। ओ कुलगुरु जी, नमस्कार। मुझे प्रणाम करके समझते हो मेरे क्रोध को शांत कर दिया? मैंने जो प्रणाम किया है, आपके पास ज्ञान की तेजस्वी है उसको, घमंड और अहंकार को नहीं। क्या कहा? मैं अहंकारी हूं? मैं कहने वाला इंसान क्या अहंकारी नहीं होता? तो फिर मेरे सवालों का जवाब दोगे क्या? सवाल पूछने वाला और जवाब देने वाला वो नारायण है। पूछो। गुरु कौन कौन बनता है? सबसे बड़े दयावीर आत्मा राम जी गुरु हैं। हमें पालने वाली माता गुरु है। विद्या सिखाने वाला सबसे बड़ा गुरु है। महात्मा कौन है? दिल को जीतने वाला होता है महात्मा। ब्रह्म ज्ञानी? बिना डर के जीने वाला ही ब्रह्म ज्ञानी है। तत्व ज्ञानी कौन है? देह लालच जिसने छोड़ दिया वो तत्व ज्ञानी है। भगवान एक है, नाम अनेक है, ऐसा क्यों? धर्म अलग अलग है, रास्ता एक ही है। जाति अलग अलग है, जन्म एक ही है। उसी तरह नाम भले अलग हो, भगवान एक ही है। किस तरह का गुरु मिलना मुश्किल है? माँ जैसी गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। पूजा में कौन सी पूजा श्रेष्ठ है? आत्म पूजा। आत्म पूजा कैसी होनी चाहिए? एकाग्र में रहकर होती है आत्म पूजा। जो नहीं है तो क्या है? जो खुद को खुद समझ ले उसका शरीर नहीं होता। जो खुद को समझ ले वो स्वयं नहीं होता। जब खुद ही नहीं रहोगे तो कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। ये कैसे साबित कर सकते हैं? समाधि योग से। समाधि योग का क्या मतलब है? सात अंकों पर बना हुआ ये शरीर सूरज और चांद की रोशनी को देखकर आराम से जब वो अपनी आत्मा को जगाए तभी समाधि योग होगा। मतलब? हमारे अंदर जो मूल आधार ताकतें हैं उसे बुद्धि शक्ति से जगाकर, छठा चक्र जो अग्नि चक्र है उसे बांधकर, सातवें चक्र में रहने वाला वो अद्भुत शक्ति को देखना चाहिए। तेरे शरीर में ये सातों अंक है क्या? सिर्फ मुझ में क्यों, हर इंसान में ये सात अंक होते हैं। दिखाकर विवरण कर सकते हो? श्री अमर नारायण की कृपा रही तो दिखा भी सकता हूं। स्थान है, चार दल का पद्मा ही मुख्य आधार है। इसका अधिपति है गणपति। ये जननांग स्थान है, अंदर का स्वादिष्ट स्थान है। चक्र अधिपति परब्रह्मा। ये है नाभि स्थान। ये मणि के आकार का चक्र है। इसके अधिपति विष्णु है। मन में रहने वाला प्रेम का चक्र, बारह दलों का स्थान, अधिपति है रुद्रदेव। ये कंठ स्थान है, यानी
विशुद्ध चक्र, 16 दल, सनाधिपति, जीवात्मा, ये मस्तिष्क स्थान है, यानी आदनीय चक्र, 2 दलों का स्थान, अधिपति, बृहस्पति, ये है मस्तिष्क, ये है हजारों दलों का स्थान, अधिपति है परमात्मा। यहां से उभरने वाली हर किरण सूर्य और चंद्र का एक हिस्सा है, भाग है। आह नारायण योगी, आप ही सच्चे गुरु हैं। मेरे अहंकार को समाप्त करने वाले आप ही सच्चे योगी हैं, और तुम ही हो सच्चे ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। आप जैसे योगी की सेवा करने वाले जी सभी शिष्य सचमुच धन्य हैं, सचमुच धन्य है नारायण योगी जी। नमो नमः। यह सब परमात्मा की इच्छा है। ओम नमो नारायणाय। इतना गहरा खोदा फिर भी पानी नहीं आया। स्वामी जी आ गए। हाँ, आ गए गुरु जी। आप सभी का मंगल हो। गंगा नहीं आई इसीलिए दुखी हो? माँ भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर जमीन पर उतर जाओगी। बड़ी गीली गांव में आकाश गंगा बनकर लोगों का कल्याण किया है तुमने। यहां पाताल गंगा बनकर नहीं आ सकती क्या? आओ मां, आओ मां, आओ मां। गंगा भवानी, हमसे आप नाराज क्यों हैं? आओ, उठो आओ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। शिष्य जनों, इस गंगा के आगमन से हमारा कुटीर पावन हो गया। यह हमेशा के लिए कई बारों के भक्तों के लिए इसी तरह बहते रहेगी। ये सब जादू टोना छू मंत्र का नतीजा है, समझे क्या? बदकिस्मती मालिक, उसने बेजान गरुड़ को उड़ा दिया, बेवक्त बारिश गिरा दी, पूरे देह में चक्र दिखाया और अभी कुएं से पानी निकलता दिखाया। ये सब आंखों का धोखा है, समझे क्या? देखो, ये सन्यासी के रूप में महामंत्रवादी है। अब तुम लोग देखते जाओ, वो ढोंगी जादू टोना करे इससे पहले उसके दोनों हाथ में असमर्थ कर दूंगा। नजर बंद जो कर रहा है, मैं उसी की दोनों आंखें निकाल लूंगा। बद्री, सेठ जी, रामू, मालिक, ये अंधेरा कैसा हो गया? मालिक, अभी तक तबेले में गाय नहीं आई है, अभी तो दोपहर है। कड़ी कड़ी धूप है। मालिक, 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 संभालो। बद्री, बद्री, मालिक, मुझे सचमुच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मालिक,
अब समझ में आया कि वो सच्चे हैं। हाँ। चुप कर। ये चोर गुरु ने जादू टोना करके मेरी आँख छीनने के लिए मुझे अंधा भी बना दिया। वो मुझे अपने कब से मिलना चाहता है। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। ए बद्री रामू। मालिक मालिक, तुमने जो नारायण स्वामी को तकलीफ दी है ना, उसी का ये फल है। कैसे भी करके उसके शरण में जाओ और माफी मांग लो। माफी मांग लो मालिक। मैं त्रिलोक हूँ, मर जाऊंगा पर उसकी शरण में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। इस जन्म में तुम्हारी आंख नहीं आएगी। ए चलो रे। ए, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अरे रे रे, तेरी बात सुन के आज तक हमने किसी का अच्छा नहीं किया, अब तेरी बात नहीं सुनने वाले त्रिलोक सिंह। मुझे तू मेरे नाम से बुला रहा है क्या? अरे तुझे तो क्या, तेरे जैसे नीच काम करने वाले हरेक को ऐसे ही बुलाएंगे। ए, भाइयों, हम उस महान स्वामी के पास जाके माफी मांग लेंगे। हे भीमा ठाकुर, ये जन्म तेरा कोई जन्म है? तेरी जिंदगी कुत्तों की तरह हो गई थू। चल रे। अरे रामा, अरे रे ठाकुर जी, अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते तो जीवित नहीं बचते, वो देखो। तुम्हारी जान बच गई समझ लो। सच कह रहे हो स्वामी। आ जाओ। मैं अंधा हूँ स्वामी। हाँ। ये बताओ तुम कौन हो? मसीहा गुरु। अच्छा मसीहा, कहाँ जाना है तुमको? योगी नारायण के दर्शन करके अपने घर वापस जा रहा हूँ। अरे रे, अरे क्या हुआ? उसे देखने क्यों जाते हो स्वामी? ठाकुर जी, गुरुओं को देवता माना जाता है, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनमें अद्भुत शक्ति होती है। उनका नाम अगर हम जपेंगे तो हमें एक अद्भुत शक्ति मिलती है, उसी शक्ति की बदौलत मैं तुम्हारी एक आंख ठीक कर सकता हूँ। ये मुमकिन है क्या? मुमकिन है क्या? मेरी परीक्षा ले रहे हो तुम? नारायण। ठाकुर जी, गुरु जी की आज्ञा के मुताबिक मैं तुम्हें एक आंख प्रदान कर रहा हूँ। आंखें खोलिए। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तुम मुझे आग देने वाले देवता हो स्वामी। स्वामी ये ले लो स्वामी, ले लो, मेरी दूसरी आग भी ठीक कर दो स्वामी। ये योगी जी की ही दी हुई मुझे शक्ति है, तुम स्वयं अगर वहां पर जाओगे तो तुम्हारी दूसरी आंख भी ठीक हो सकती है। नहीं स्वामी, नहीं, मैंने हमेशा उन्हें बुराई कहा है, आज मैं अपने स्वार्थ के लिए वहां जाऊंगा तो वो मुझे तिरस्कार देंगे। नहीं स्वामी, मैं नहीं जाऊंगा। तुम गलत सोच रहे हो, योगी जी तुम्हारी सारी गलतियां माफ करके तुम्हारी दूसरी आंख भी ठीक कर देंगे। गुरुजी, इस पापी को क्षमा कर दो, गुरुजी माफ कर दो, गुरुजी, गुरुजी। ठाकुर जी, मैंने अपने घमंड की वजह से तुम्हारी देव शक्ति का हमेशा अपमान किया, मेरे स्वार्थ की आंखों को छीर के अंतरात्मा की आंखों को खोलो, मेरे अंदर जो स्वार्थपन है उससे खत्म कर दो गुरुजी। जो अपनी गलती को समझ ले उससे बड़ा तत्व ज्ञानी और कोई नहीं। गुरुजी,
आपकी दया से एक देवता ने मेरी एक आंख लौटा दी और कहा अगर तुम्हें दूसरी आंख चाहिए तो आपके पास आने के लिए कहा। गुरुजी, गोपाल आए। वेंकटेश, तुम कमलाक्ष हो ना? इस भक्त को एक आंख दे दी और दूसरी आंख की जिम्मेदारी मुझ पर क्यों छोड़ दी? तुम्हारी दी हुई आंख संसार की आंख है, जैसे दोनों आंख से दिखता है एक बराबर, इस भक्त की दूसरी आंख भी तुम्हें देनी होगी। इनकी दूसरी आंख भी आप ही प्रदान कीजिए प्रभु। तुझे मान लिया हमने सदगुरु मालिक मालिक मालिक, सदगुरु मालिक मालिक मालिक। तुझे जान लिया हमने सदगुरु मालिक मालिक मालिक, सदगुरु मालिक मालिक मालिक। कृपा कर दो तुझे हर पल हम ध्याएं, दिल में भक्ति भर दो। पहचान लिया हमने सदगुरु मालिक मालिक मालिक, सदगुरु मालिक मालिक मालिक। गुरुजी, योगी महाराज, हे बद्री, रामू, गुरु, योगेंद्रा, योगी महाराज, नारायणेश्वरा, मैं पापी हूँ, पापी हूँ। मेरी अंतरात्मा की आंखें खोलने वाले महात्मा, महापुरुष, देव स्वरूप स्वामी, आज के बाद मैं सामान्य त्रिलोक हूँ, सामान्य स्वामी सामान्य, मुझे रास्ता दिखाओ। हाँ, आज के बाद से देव यात्रा में जाके खुद की मेहनत कमा के खाऊंगा, उसके लिए मुझे आशीर्वाद दो स्वामी। नारायण की जैसी इच्छा। श्री सतगुरु यतेंद्र के चरणों में गोविंदा, गोविंदा। श्री सतगुरु योगेंद्र के चरणों में गोविंदा, गोविंदा। श्रेष्ठ नारायण, परमात्मा, परमेश्वर, परम ज्योति स्वरूप परमात्मा, कितने वर्षों के बाद मुझ पर दया आई है। आपको पाने का यह अवसर
अब जाकर मुझे प्राप्त हुआ है, ये आत्मा ज्योति तुम अपने आप में लीन कर लो प्रभु। वो समय अभी नहीं आया है नारायण भक्त। इस धरती पे एक और खास काम बाकी है अभी। इस बुढ़ापे में भी कोई काम लेना है तो आज्ञा कीजिए पिताश्री। मेरे प्यारे भक्त, इसको अपने पास रखो। लोगों के आगे पीछे जो घटना घटने वाली है उसकी भविष्यवाणी यानी काल ज्ञान तुम्हें रखना है। ए मेरी आयु, तू कहाँ चली गई? मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय उचित है क्या? ये कहने वाला मैं और मेरी 82 साल की उम्र, इस उम्र में फिर काया की रचना। गुजरा हुआ कल तो मैं भूल ही चुका हूं, इस उम्र में क्या होगा ये लिखना संभव है क्या? तुम्हारा ज्ञान कम होने वाला नहीं है नारायण, बढ़ने वाला है। समझदारी को समझाने की उम्र है, ये मौन रह के वर्णन करने की उम्र है। इसीलिए मौन देवता को भेजने के बजाय आप खुद चले आए। सावन का माह है, भविष्य में इसे सभी श्रवण करें, इसलिए मैं लिखूं। यही कह रहे हैं ना स्वामी? शुभ पंचम। स्वामी, पंच इंद्रियों को शुद्ध करके लिखने की आज्ञा दे रहे हैं। जो आज्ञा परमात्मा, इस लिखने वाले ग्रंथ को मुझे सौंपने वाले आप हैं और समझाने वाले भी आप, सब कुछ तुम ही हो, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। स्वामी, स्वामी, ओम नमो नारायणाय। बसता है तू सारे जीवों में, परमात्मा 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 परमात्मा। धीरे 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 पाप मिटा के पाप मिटा के कल्याण भर तू दे तू दे। You mean
बन के प्रसिद्ध नारायण कवि। परमात्मा 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 सारे महर्षि लोगों ने सारे वो जंगल ही काटे, लोगों ने जंगल की महिमा न जानी। लिखूंगा बन के प्रसिद्ध नारायण कवि। स्वामी जी को प्रणाम। गुरुदेव, हर साल की तरह इस साल भी हम सब मिलके बॉम्बे में एक आयोजन करने जा रहे हैं। आप इसमें पधार के हम सबको आशीर्वाद दें, हम आपसे यही विनती करते हैं। तुम्हारी गुड़िया की शादी को मेरी तरफ से धिक्कार है। धिक्कार की बात छोड़ के हमें सही दिशा दिखाइए स्वामी जी। दिशा छोड़कर जो भटकते हैं उन्हें धिक्कार करना ही सही है। गुरुदेव, सब कुछ जानने वाले ज्ञानी हैं आप, हम जैसे विद्यार्थियों से ऐसा क्या अपराध हुआ है? देखो, निर्जीव गुड़िया को सजाकर उसकी शादी रचाना, ये तो एक मृत शरीर को सजाने जैसा है। इस गांव में बिना शादी के कुंवारे कितने ही गरीब बच्चे हैं। जो गुड़िया की शादी में पैसा व्यर्थ कर रहे हैं, आप वो जिंदा रहने वालों पर लगाएं। अगर जीवित लोगों पर पैसा लगाओगे तो तुम्हें भगवान की सहानुभूति मिलेगी। ऐसा ही होगा, आपकी दिखाई हुई राह पर हम अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। तुम्हारा ये भ्रम है भक्तजनों, विवाह का मामला कोई व्यापार नहीं है, दिल से दिल का मिलन है। ये शक्ति से नहीं बल्कि प्यार से होना चाहिए। अक्षत्र के नाम पर जो फेंका जाता है, अगर वो गरीब को दे दो तो उसे दो वक्त की रोटी मिलेगी। हमें इस जाति अंतर को मिटा देना चाहिए। आपकी आज्ञा के मुताबिक ही होगा गुरुदेव, हमें आज्ञा दें। गुरुजी, आप तुलजापुर में पधारिए, ऐसी भक्तों की बहुत इच्छा है। जैसी उसकी इच्छा, ओम नमो नारायणाय। गुरुदेव, कहो शिष्य, हमारा निर्णय सब कुछ सही हो गया ना? कौन सा निर्णय गुरुदेव? मेरे बाद ये गुरुपीठ का अलंकार बन के बैठने वाले तुम ही हो। गुरुदेव, मैं बैठू गुरुपीठ पे? नहीं गुरुदेव, नहीं, मेरे लिए आपके चरणों की सेवा ही काफी है। गुरु की बातों को टाला नहीं जाता। इस इलाके के उद्धार के लिए निस्वार्थ मन वाला ही सही है, ये गुरु की आज्ञा है। धन्य हो गया मैं गुरुदेव, धन्य हो गया। दीर्घायुष्मान भवा। शिष्य, गुरुदेव, यहां आज मेरा कोई शिष्य नजर नहीं आ रहा है,
वो सब पास के गांव के मंदिर में भजन करने गए हैं गुरुदेव। सच कहा तुमने, उम्र हो गई है ना, इस बूढ़े को भूलने की आदत हो चुकी है। बूढ़ा, ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ शिष्य, हर कोई यहाँ बूढ़ा है। उस ऊपर वाले के दिए चश्म को ता थैया कहकर नचाते रहते हैं। गुरुदेव आए नमः। कीर्तिमान भवो वेंकटराव। गुरुदेव, आपकी आज्ञा के मुताबिक आपके लिए ग्रंथों को मैंने तैयार कर दिया है। अच्छा, बहुत खुशी की बात है, लाओ। गुरुदेव, इसको मैं आपकी जन्म शताब्दी पर उपहार के रूप में देना चाहता था, लेकिन समझ गया, संसार के झमेले में फंसकर मेरे 100 साल की तिथि में देने वाले इस उपहार को 110 साल में देने के लिए लाया है क्या? सब श्री कृष्णार्पण वस्तु। हाँ, पूरे साल तुम्हारी कमाई से तो त्योहार मनाते हैं। बच्चों को देखो, बच्चों पे रहम खाओ जरा। 2 रुपए कहीं से लाने की हैसियत नहीं है। तुम मुझ पर भी बोझ हो, इस घर पर भी बोझ हो, इस धरती पर भी बोझ हो तुम। मेरी पूरी जिंदगी शिव अर्पण वस्तु, कृष्ण अर्पण वस्तु बनकर रह गया है। हाँ, मुझे उस माया के घर से बाहर भेजने वाली वही थी। अब ये मिट्टी के शरीर से आत्मा अलग करने, पुरानी यादों को ताजा करने वाली वही है। गुरुदेव, वो कौन है? वही जो मेरा पहला गुरु था, मुनिया। उसी के फलस्वरूप मुझे भगवान को पाने का सही रास्ता मिला। उसी की बदौलत मैं सीधे खुद को समाधि देने में कामयाब हुआ, वो भी उसी की बदौलत। गुरुदेव? नहीं, ता थैया, उसके इशारों पर नाचने वाला वेंकटराव जी, मेरी जितनी ज्ञान शक्ति थी उतना मैंने काल ज्ञान को लिखा, उसके सारांश को पूरी तरह पूरा करने वाला भगवान तेरा उद्धार करेगा। शिष्य, मेरी ये सांस की डोर आने वाले 2 दिन में खत्म होने वाली है, उसके लिए जो भी लगेगा उसकी तैयारी करो। आपके परलोक के जाने का समय इन पंक्तियों में लिखकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी गुरुदेव, भूल कर दी। ये गुड़िया का खेल है। इन ग्रंथों को तुमने किस तरह से अर्पण किया, उसी तरह रुद्र ग्रंथ, विष्णु ग्रंथ, ब्रह्मा ग्रंथ से बना ये शरीर, इस शरीर को मैं कृष्ण अर्पण करना चाहता हूं। गुरुदेव, यही आपकी अंतिम इच्छा है क्या? नहीं। ये अमर नारायण स्वामी की इच्छा है। मेरा जीवन समाधि को अर्पित करने में तुम सबका सहारा चाहिए। जैसी गुरुदेव की इच्छा। Thank you.
कैसे कैसे पापियों के लिए गड्ढा खोदा है मैंने, लेकिन उन जैसे महापुरुष योगी के लिए गड्ढा खोदने का मन नहीं कर रहा है। नारायण स्वामी जी जैसों की कब्र खोदना हमारा कर्म है या हमारा पाप है ये ऊपर वाला ही जाने। हम खुद इस गड्ढे में दबकर मर क्यों नहीं जाते? ऐसे पुण्य क्या हमने भी किए होंगे? दिल में भगवान को बसा लो तो कैलाश यहीं पर है, हमारे नसीब में यही है। चलो खोदो खोदो। हे भगवान, ओम नमो नारायणाय। आज के बाद ये जो कीर्तन भजन है पूरे महाराष्ट्र के लोगों तक पहुंचाने की जवाबदारी तुम्हारी है। भक्तजनों, जीवन को समाधि में अर्पित करने से पहले कुछ उपदेश मैं आप सबको देना चाहता हूं। गलत रास्ता दिखाने वाले गुरुओं की बात सुनके भगवान भी बिगड़ गए हैं। कोलारा शेट्टी, चिकावला परा के राजा सुल्तान लोग सब बिगड़ गए हैं। इसीलिए गलत गुरुओं की बात कभी मत मानना। कोई भी धर्म से ईर्ष्या मत रखो। प्रकृति नियम के विरुद्ध मत जाओ। जंगलों को मत उजाड़ो। रिश्वत कभी मत लेना। शराब मदिरा पीकर कभी मत बिगड़ो। वेश्याओं के साथ गंदा काम मत करो। आंखों में ही पाप और पुण्य है। तुम्हारी आंखों को पाप की दिशा में जाने मत दो। इस शरीर को मृत्यु आती है लेकिन आत्मा को नहीं आती। इसीलिए सही रास्ते पर चल के समाज में अच्छे इंसान बनकर 100 साल तक जियो। इसके बाद हम सब क्या करें? हम सब किसकी पूजा करें? किसके हम सब अनुयायी बने? आत्मा का ध्यान करो मनुष्यों। बलवंत बने भव से तारे हर।
छोटे भाई को ताज पहनाए, प्रहलाद नरसिंह ने आके बचाया, राक्षस के भाई को ताज पहनाया, प्रहलाद नरसिंह ने आके बचाया। असुर सुर जपते हैं राम जी के शुभ नाम को, असुर सुर जपते हैं राम जी के शुभ नाम को, जग के पालक जगदीश्वर श्री रामा, बलवंत बने बलवंत बने बलवंत बने बलवंत बने, भव से तारे हरि का नाम आत्मा ज्ञान ले। अंतर मन धोए ये श्रीनामा, अंतर मन धोए ये श्रीनामा, अज्ञानियों को दे ज्ञान ये श्रीरामा, अज्ञानियों को दे ज्ञान ये श्रीरामा, अंत समय में यही काम आए, अंत समय में ये ही काम आए, मान लो 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 अमर नारायण स्वामी का नाम। बलवंत बने बलवंत बने बलवंत बने बलवंत बने, भव से तारे हरि का नाम आत्मा ज्ञान ले। गुरुदेव, आत्मा देह त्याग रहा हूं ये कहकर हम जैसे भक्तों को अनाथ करके जा रहे हैं, कैसा पागलपन है आपका? जीवन मरण नहीं, यही एक पागलपन है मुझे। जान लेने वाला यमराज ही हमारी जान लेने से घबरा जाता है। जब हम उसी के शिष्य बन चुके हैं तो फिर हमें किस बात का डर है? इस जीवन को मैंने परमात्मा के नाम अर्पित कर दिया है, जीवन मरण की कोई बात नहीं। 1400 युग भी अलग लौट आए तब भी जीना और मरना सच है। ऐसे युग जाने और कितने आ जाएं, तो फिर मेरा जन्म नहीं है, क्योंकि यह मेरा आखिरी जन्म है भक्तों। भक्तजनों, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे मौत नहीं है, क्योंकि मैं जन्मा ही नहीं हूं, फिर जन्मूंगा भी नहीं, मैं दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। जब तक सूर्य और चंद्र रहेगा तब तक जीने का उसने आदेश दिया है। तुम लोगों के मन में रहकर हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। ओम नमो नारायणाय।
हमारे यहाँ दूसरे देश के नस्त्रदामस की बहुत चर्चाएं होती हैं, रिसर्च होती हैं, स्टडी होती हैं, लेकिन हमारे देश के संतों ने भविष्य के बारे में जो जानकारी दी है उसे नहीं भूलना चाहिए। बच्चों, आप सब लोग बहुत कुछ जान चुके हो, सच बताओ तुम्हें क्या लगता है? हम लोग बहुत पीछे हैं सर। दूसरे देश के नास्त्रदामस के बारे में हम जानते हैं, अपने देश अपने गांव के गुरुजी नारायण स्वामी के बारे में हम कुछ नहीं जानते सर। तो फिर देर किस बात की, चलो चले। कहां सर? कई बार चलो।